भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी, नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी निपुर और करधनी के घुंघरुओं की झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल करल कमलों को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। परीक्षित गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुज पास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली ही हो गई थी। वे रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पैजेबों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूरों तथा चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमन भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरनियों के साथ कीरा की विहार किया। परीक्षित भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विहल हो गई। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की यह रासक्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवागनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों तथा
ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए।